ऐसे उठाता हूँ तो अभी बैलेंस है, ठीक है ना। लेकिन आप एक बात देखो, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो वो कह रहा होगा, हम अगर देखें तो फोर्सेस में हम ऐसा बोलेंगे कि भाई ये जो है एक टेंशन ये, एक टेंशन ये, सेंटर पे एमजी, तो दो टेंशन और ये एमजी, और कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है और ये आराम से रुका हुआ है। मगर जैसे ही मैं ये चीज छोड़ देता हूँ, ये वाला, ये वाली रस्सी छोड़ देता हूँ, अब जैसे ही ये रस्सी मैंने छोड़ी तो आप देखो क्या हुआ, जैसे ही रस्सी छोड़ी घूम गया ना, क्यों घूमा? फोर्सेस में देखा जाए तो रस्सी ये छोड़ते ही कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस पे, जैसे ही रस्सी हटा दी तो कितने फोर्सेस, दो दो, एक तो टेंशन एमजी और एक एमजी। इस पॉइंट के अबाउट एमजी ने टॉर्क प्रोड्यूस कर दिया ना, टेंशन का तो टॉर्क कितना है, जीरो, जीरो है। टेंशन का टॉर्क इसी पॉइंट के अबाउट, उसी लाइन ऑफ एक्शन से फोर्स जा रहा है ना, तो जीरो हो गया। और एमजी लग रहा था यहाँ पर, एमजी यहाँ पर लग रहा है तो एमजी ने टॉर्क प्रोड्यूस किया। कोई बता सकता है टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे टॉर्क किस डायरेक्शन में? आपने ऐसे रखा होता ना, एक बात समझना, हमको इतना पता पड़ गया कि जब मैं इसको ऐसे कभी रोक नहीं सकता हूँ, ऐसे मैं एक रस्सी से इसको रोक नहीं सकता हूँ, ठीक है, मतलब कि अगर मेरे को इसको बैलेंस रखना है तो मुझे दोनों तरफ से पकड़ना पड़ेगा। मैं एक को पकड़ के इसको ऐसे सीधा रख नहीं सकता, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये एक ही पकड़ा रहूँ, ये सीधा बना रहे, ठीक है। लेकिन अगर हम रोटेशनल फिजिक्स यूज करें अपनी और वो देखते हैं वो क्या काम कर सकती है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि ये बगैर इसके दोनों के ही सपोर्ट से रुकेगा, ये एक के सपोर्ट से रुक नहीं सकता है, ठीक। अब हम कुछ करते हैं, क्या किया, देख रहे हैं रुक गया, ये रुका हुआ कहाँ गिर रहा है, क्या रुकेगा तब गिरेगा ना। तो यहाँ पे क्या था, मैं ऐसे नहीं रोक सकता था, लेकिन जब मैंने पहिया घुमाना शुरू कर दिया तो घुमाते ही हमने एक बात देखी, घुमाते ही ये क्या हुआ, रुक गया। और आपने अगर एक बात नोटिस की, पहिया साथ में क्या कर रहा था, घूम रहा था ऐसे। पहिया का घूमना इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में पहिया रोटेट किस तरह से कराया गया है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उससे ही डिसाइड होगा। अगर पहिये का घूमना उल्टा कर दिया जाए, मतलब यहाँ का रोटेशन उल्टा कर दिया जाए, तो क्या होगा, तो इसका घूमना भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, देखिए ये ऐसे नहीं रुका, और जैसे ही हमने इसको क्या किया, रोटेट कराया, तो ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये घूम रहा है, ठीक है। और देखना अगर मैं रोटेशनल एक्सिस चेंज कर दूं, उल्टा देख रहे हैं, घूमना पहिया का चेंज हो गया ना, जैसे मैंने एक्सिस चेंज कर दिया, इधर घूमना शुरू कर दिया, तो किधर घूम रहा है, इसके पीछे का लॉजिक है, और क्यों घूम रहा है, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो यही है
अब ये चीज आपको लीनियर मोशन से थोड़ा सा समझ में आती है। एक चीज बस ये देख लो, जब इस एक्सिस के अबाउट इसको लटका के रखता था तो टॉर्क किधर लग रहा था? टॉर्क जो है वो इस तरफ था, जैसे घूम रहा था ना, और जब पहिया यूं घूम रहा है या यूं घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है इस तरफ, मतलब इस तरह से, ये तो इसका एंगुलर मोमेंटम किस तरफ होगा? एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, तो जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो ओमेगा का क्या डायरेक्शन है? ओमेगा का देखा जाए ये बात कैसा बात पीछे बात ये हुआ इस तरफ, ये टॉर्क है, ये एंगुलर मोमेंटम है, और एंगुलर मोमेंटम चेंज कर रहा है किसको? टॉर्क को। एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा हमेशा टॉर्क को, तो ये एंगुलर मोमेंटम है, ये टॉर्क है, तो एंगुलर मोमेंटम इधर आना चाहेगा, और जैसे ही एंगुलर मोमेंटम इधर आया टॉर्क इधर पहुंच गया। तो ये कॉज है कि ये क्यों घूम रहा है? एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल एंगुलर मोमेंटम ये है, टॉर्क ये है, ये यू क्यों घूम रहा है? ये इसलिए घूम रहा है क्योंकि टॉर्क एंगुलर मोमेंटम ने कहा इसकी डायरेक्शन होना चाहिए टॉर्क बराबर डीएल बाई डीटी से। तो जैसे ही वो इसकी डायरेक्शन होने की कोशिश करेगा ये पहिया भी घूम जाए, तो टॉर्क भी घूम गया उसका, टॉर्क भी घूम गया तो क्या करना शुरू कर देगा उसका रोटेट। और अगर पहिया मैं यू घुमाता हूँ तो एंगुलर मोमेंटम इस तरफ, टॉर्क इस तरफ, जब उल्टा घुमाएंगे भैया तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज डायरेक्शन।